गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम वी हैव सीन द फोर्थ स्टैंडर्ड्स ईवीएस वन सब्जेक्ट नाइन्थ लेसन एयर. ओके, इन लास्ट टाइम वी हैव सीन व्हाट इज द एटमॉस्फेयर एंड व्हेन वी आर गोइंग अपसाइड द एयर इज रिड्यूसिंग. दैट ऑल वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो. ओके, इन दिस वीडियो वी विल सी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर दैट हेल्प्स बर्निंग इन इनसाइड द कैंडल. कैंडल का जो एग्जाम्पल देखा था उसके अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूंट की वजह से वो बर्निंग होता था, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं. ठीक है, जो ऑक्सीजन गैस की वजह से वो बर्न होता था, बंद करने के बाद भी उसका बर्निंग के लिए कौन सा हेल्प करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट, ऑक्सीजन यूज करते थे. ठीक है, तो हम लोग जब पूरा एटमोस्फियर को हम लोग फाइव पार्ट में डिवाइड किया, सपोज वी आर डिवाइडिंग द टोटल एटमोस्फियर गैसेस इंटू फाइव पार्ट, वन पार्ट विल बी ऑक्सीजन. उसका एक पार्ट जो क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है. ठीक है, और बाकी का चार पार्ट में अलग अलग टाइप का गैसेस रहता है. ओके, तो हम लोग आज देखेंगे कौन सा गैसेस है उसमें, जो चार बाकी का चार पार्ट जो है उसमें कौन सा गैसेस रहता है. आप लोग देखा रहेगा अभी गैस ग्लास में हम लोग आइस क्यूब लिया और वो ग्लास थोड़ी देर बाहर रखा तो क्या रहेंगे, जो पानी का ड्रॉपलेस हो ग्लास के बाहर, सब अपने को पानी का ड्रॉपलेस दिखेगा, छोटे छोटे पानी का ड्रॉपलेस दिखेगा. वो क्या रहता है, वो भी स्टीम जो रहता है, वाटर स्टीम जो होता है, वाटर वेपर्स जो रहता है वो भी रहता है. हवा में वाटर वेपर भी रहता है. ठीक है, पानी जो स्टीम होके ऊपर जाता है वो वाटर वेपर बोलते हैं उसको. वो भी किधर रहता है, वो भी एयर में रहता है. ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट कौन सा रहता है, अभी ये फाइव पार्ट से उसमें सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा रहता है, नाइट्रोजन रहता है. 78% ऑफ गैस विल बी नाइट्रोजन ओनली, एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस आर देयर, ओनली लिटिल मच अदर गैसेस आर देयर बट मेन इज नाइट्रोजन एंड लिटिल मच ऑक्सीजन. एंड दिस ऑक्सीजन वर वी आर यूजिंग द ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. हम लोग जो श्वास लेते हैं वो श्वास लेने के टाइम पे हम लोग कौन सा गैस यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं. और जो हम लोग बाहर छोड़ते हैं वो क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है. द प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर वार पर्पस फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड. जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का खाना बनाते हैं. ठीक है, आए इतने समझ में. और जो ये रहता है फैक्ट्रीज में से जो स्मोक छोड़ते हैं, या हम जो व्हीकल्स में से स्मोक छोड़ते हैं, कार ऑटो रिक्शा उसमें से भी जो स्मोक छोड़ते हैं, या फ्रॉम द फैक्ट्रीज या फ्रॉम इन अवर किचन ऑल्सो, इफ वी आर यूजिंग गैस नॉट यूजिंग गैस स्टोव या बर्निंग दिस वुडन आइटम्स, देन देयर इज स्मोक कमिंग फ्रॉम द किचन ऑल्सो. दैट ऑल स्टॉर्म्स आर मिक्सिंग विद द एयर, इजंट इट. जो एयर जो रहता है उसके साथ ही वो मिक्स हो जाता है ये सर. तो अपने को क्या समझ में आया, एयर जो है दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस. तो सबसे ज्यादा कौन सा रहता है, नाइट्रोजन. 78% नाइट्रोजन विल बी देयर एंड ऑक्सीजन ऑल्सो विल बी देयर एंड लिटिल मच अदर गैसेस आर देयर इन अवर एटमोस्फियर. ठीक है, इतना आया सबको समझ में, क्या क्या पॉइंट हम लोगों ने देखा आज के वीडियो में. ऑक्सीजन गैस देखा जो कुछ भी जलाने के लिए यूज करते हैं, और आप लोग देखा रहेगा सोडा बॉटल जो है वो ओपन करने के टाइम पे उसमें से बहुत सारा फिस ऐसा हवा जो है गैस ऊपर आता है, वो कौन सा गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है. ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉटल में भरा हुआ रहता है, वो दैट इज कमिंग अपसाइड द बॉटल. ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस ना, ऑक्सीजन एंड सबसे ज्यादा एटमोस्फेयर में कौन सा गैस रहता है, नाइट्रोजन रहता है, और अदर गैसेस ऑल्सो विल बी देयर. और जो भी स्मोक आता है फैक्ट्रीज में से व्हीकल्स में से वो सब क्या होता है, एयर के साथ मिक्स हो जाता है, और एयर में वो गैसेस भी मिक्स रहता है. ओके, बाय.